इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे HAL के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। जहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आज के दिन 1.60% का गिरावट यहाँ पे देखने में मिला है। वहीं पिछले ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 10% से भी ऊपर का 11% के आसपास तेज़ी हमें देखने में मिला था एक ही दिन में। आप देखेंगे यहाँ पे पिछले 5 दिन में 17% का रिटर्न है, बिकॉज एक ही दिन में 11% से थोड़ा सा नीचे का तेज़ी हमें देखने में मिला था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अब वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हुआ था उस दिन, अगर हम बात करें कल के दिन HAL की अगर हम बात करेंगे, और रिज़ल्ट में काफ़ी अच्छा हमें मतलब रिज़ल्ट रहा, और उसके चलते कह सकते हो तेज़ी काफ़ी ज़बरदस्त देखने में मिला था, बट आज के दिन गिरावट हमें देखने में मिल गया। अब इसके पीछे ऐसा कोई न्यूज़ अगर कोई निकल के आ रहा है तो यहाँ पर कोई ऐसा न्यूज़ हमें निकल के आते हुए नहीं दिख रहा है जिसके चलते गिरावट यहाँ पर हमें देखने में मिला हो। आप देखेंगे आपके सामने है। बाकी अब तो गिरावट यहाँ पर हुआ क्यों है, वजह क्या है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि कोई भी शेयर में अगर ज़बरदस्त तेज़ी लगातार हमें देखने में मिलता है तो काफ़ी बार होता है कि कुछ दिन तक लगातार तेज़ी हमें देखने में मिल जाए, और काफ़ी बार होता है कि एक बड़ा तेज़ी के बाद थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने में मिले। और ऑलरेडी अब ये कब होता है कि आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से, 5 दिन का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज़ी था वो अलग की बात है, और यहाँ पर एक दिन और काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी मतलब 10% से भी ऊपर का देखने को मिल गया। तो ऑलरेडी पिछले से तेज़ी आ रहा था और यहाँ पे और भी तेज़ी देखने को मिल गया, तो कह सकते हो इतना तेज़ी के बाद थोड़ा करेक्शन तो बनता, मतलब यहाँ पे देखेंगे बन गया 1.60% का गिरावट आई थिंक आज के दिन जो भी देखने को मिला है यहाँ पे। और बाकी अगर हम बात करेंगे पिछले एक महीने का तो 23% का रिटर्न देखने को मिला है, मतलब कह सकते हो यहाँ से लगातार तेज़ी में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल गया, तो कह सकते हो ये बड़ी बात नहीं है। काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिला है बहुत सारे स्टॉक में लगातार तेज़ी में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है, फिर उसके बाद ज़बरदस्ती एक और तेज़ी होता है वो अलग की बात है। बाकी अगर हम बात करें तो ये कुछ परफॉर्मेंस हमें आज के दिन देखने को मिला है, बाकी मैंने आपको दिखा दिया। आगे हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जब यहाँ पर तेज़ी रहा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट हुआ, फिर थोड़ा तेज़ी हुआ, फिर ऐसे मतलब स्टेबल रहता है, फिर गिरावट होता है, फिर तेज़ी होता है, ऐसे करके लगातार देखने को मिलता रहता है। अब देखते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में क्या गिरावट होता है या फिर तेज़ी। और अभी के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा ही होना चाहिए अगर देखा जाए तो, अकॉर्डिंग टू नंबर जो भी रिपोर्ट किया है कंपनी ने, काफ़ी अच्छा जो भी कहेंगे यहाँ पे। अभी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आज का परफॉर्मेंस क्या रहा उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे, उसके बाद और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1.60% का गिरावट देखने में मिला। मार्केट क्लोज होने के बाद भी 2,366 क्वांटिटी सेल साइड में मोड़ रहा पर लग चुका है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज के दिन कितना परसेंट माल उठाया गया तो 41.54% का डिलीवरी में माल उठाया गया, जो कि देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त माल उठाया गया आज के दिन, मतलब 42% से थोड़ा सा कम यहाँ पे 41.54%। नेक्स्ट बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, आज का थोड़ा मार्केट के ऊपर सेंटिमेंट क्या रहा उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। मार्केट के ऊपर भी हम देखेंगे यहाँ पे तो निफ्टी 50 0.28% अप में रहा, क्लोजिंग दिया 62 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 250 पॉइंट ऊपर की तेज़ी में आज क्लोजिंग दिया 0.34% की तेज़ी में, निफ्टी बैंक 0.29% की तेज़ी में क्लोजिंग दिया 138 पॉइंट ऊपर, निफ्टी IT 0.85% के गिरावट में क्लोजिंग दिया 286 पॉइंट नीचे, S&P BSE स्मॉल कैप 1.39% की तेज़ी में क्लोजिंग दिया 651 पॉइंट ऊपर। बाकी बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, थोड़ा फंडामेंटली बेसिस पे आप नज़र डालेंगे HAL के ऊपर तो काफ़ी अच्छा आपको नज़र आएगा, बिकॉज यहाँ पे कंपनी के पास जो डेट है 49.04 करोड़ का, 49 करोड़ 4 लाख का कंपनी के पास डेट यानी कर्ज है, और 20,306 करोड़ 15 लाख का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। 20,306.15 करोड़ का आप देखिए यहाँ पे कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, और डेट कितना है 49 सिर्फ, मतलब यहाँ पे कैश के मुकाबले अगर देखा जाए तो डेट एकदम कम नज़र आएगा आपको। 49 करोड़ 4 लाख का डेट है और 20,306 करोड़ 15 लाख का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, तो फंडामेंटली बेसिस पे भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आएगा अभी के टाइम में। बात करेंगे PE का यानी वैल्यूएशन अभी के टाइम में क्या अभी देखने में मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी आप यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यूएशन 39.9 यानी PE रेशियो इसका 39.9 है। वैल्यूएशन मतलब कह सकते हो इतना ज़बरदस्त तेज़ी के बाद लगातार तेज़ी 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 ही रह रहा है, उसके बावजूद भी वैल्यूएशन 100 से ऊपर नहीं गया, 50 से ऊपर नहीं गया, 39.9 पॉइंट का अभी स्टॉक PE है। तो वैल्यूएशन भी देखा जाए तो मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब ये तेज़ी की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन भी उतना कह सकते हो एकदम से 200-300 का हाई नहीं है, 39.9 है, बट फिर भी हाई किया जाएगा वैल्यूएशन को। ROCE और ROE आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छा है फिलहाल अगर हम बात करेंगे,
तो जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है, जैसे कि आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब ईयर ऑन बेसिस पे 12,495 से 14,769 करोड़, क्वार्टर बेसिस पे 6,061 करोड़ से 14,769 करोड़। केवल सेल्स में अगर हम बात करें, नेट प्रॉफिट की अगर हम देखेंगे तो ईयर बेसिस पे 2,841 करोड़ से 4,292 करोड़, और पिछले क्वार्टर से 1,254 करोड़ से 4,292 करोड़ देख सकते हो, काफ़ी गुना ऊपर इंक्रीज हमें देखने में मिला है नेट प्रॉफिट में। और बाकी आप CAGR तो आपको पता ही है, काफ़ी ज़बरदस्त आपके हमें देखने में मिल रहा है। 1 ईयर का CAGR 198% का है। और बाकी आप देखेंगे इन्वेस्टर्स का डाटा क्या निकल के आ रहा है, बाकी हम देखेंगे अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल्स क्या बन रहा है उसके बारे में हमको बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। इन्वेस्टर्स के डाटा में देखेंगे FIIs का जो होल्डिंग है 12.93 से 12.42 हुआ है, थोड़ा डाउन हुआ है, 71.64 से 71.64 ही है। प्रमोटर का जो होल्डिंग है, पब्लिक का 6.28 से 6.36 हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है पब्लिक का होल्डिंग। DIIs की अगर हम बात करेंगे 9.13 से 9.58 हुआ है, तो इंक्रीज़ हुआ है अगर हम बात करें यहाँ पे DIIs का होल्डिंग, अपना होल्डिंग इंक्रीज़ किया DIIs वालों ने। नेक्स्ट बात करेंगे लेवल्स के बारे में, क्या लेवल्स बन रहा है नेक्स्ट ट्रेडिंग सीजन के लिए, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। लेवल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला लेवल क्या बन रहा है, तो आज के दिन काफ़ी स्टेबल रहा है स्टॉक अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखेंगे HCL की अगर हम देखें यहाँ पे। सबसे पहला अगर गिरावट हमें देखने को मिलता है तो सबसे पहले जो लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा वो हमारा लेवल कुछ इतना का लेवल रहने वाला है, 4,498 का लेवल। इसको अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड में तो नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल जो आप ध्यान दीजिएगा वो हमारा कुछ इतना का लेवल रहने वाला है, जो कि आप देखेंगे 4,391 का लेवल। और भी आने वाले टाइम के लिए कुछ सपोर्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो नज़र आ रहा है 4,231 के लेवल पे। आने वाले टाइम में इस लेवल पे आप ध्यान दे सकते हो, अदरवाइज इग्नोर इट, ये दो लेवल पे सबसे पहले डाउन साइड में आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अपसाइड के लिए क्या लेवल बन रहा है, यानी अगर आपको तेज़ी दिखने में मिलता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सीजन में तो किस लेवल पर आप ध्यान दे सकते हो, सबसे पहला रेसिस्टेंस लेवल 4,548 का लेवल रहेगा। और इसको अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड में नेक्स्ट लेवल के दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो वो लेवल हमारा कुछ इतना का लेवल रहेगा 4,606 का लेवल। और लास्ट में कुछ ये लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा 4,654 का लेवल। ये कुछ लेवल्स है तीन अपसाइड के लिए और ये कुछ दो तीन डाउन साइड के लिए, जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप ध्यान दे सकते हो अगर आपको गिरावट देखने में मिलता है तो। और बाकी दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो HCL की अगर हम देखें यहाँ पे तो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, और सबसे पहली बात कि यहाँ पे मार्केट के हिट में अगर इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है, वो अलग की बात है अकॉर्डिंग टू मतलब माय प्रेडिक्शन अगर हम बात करेंगे। अब 100% तो कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है। और डिफेंस सेक्टर का तो कह सकते हो कितना ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से नहीं कहूँगा, पिछले कुछ महीनों से कहो या फिर पिछले मतलब कि 1-1.5 साल के अंदर से ही कहो कि डिफेंस सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, या फिर एक्सपोर्ट भी कर रहा है अलग कंट्रीज़ को HCL, मतलब अपना माल डूबी अगर हम बात करें तो उसके ऊपर भी न्यूज़ निकल के आया था आज से कुछ 2-3-4 महीने पहले, मैंने आपको बताया भी हुआ था सारी चीज़ें, एक एक करके अपडेट दिया हुआ था। अब आपका क्या व्यू है स्टॉक को लेकर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपने कितने के प्राइस पर बाई या फिर सेलिंग जो भी आप कर रहे हो। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही, कितने के प्राइस से बाई किया अगर बताना चाहो तो बता सकते हो नीचे, कितने के या फिर प्रॉफिट चल रहे हो। वीडियो में कोई बाय सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में किस दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस।